नमस्कार दोस्तों, आप सबका आप सभी के चैनल एसके प्लम्बिंग वर्क्स में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने अपना ही चैनल एसके प्लम्बिंग वर्क्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे नई वीडियो आने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोग के बीच में प्लम्बिंग का नया वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह एक ब्रास बॉल कॉक है, इसको फ्लोट वाल्व भी बोलते हैं। इसका हम यूज ज्यादातर टाकी में करते हैं, इसको टाकी में ऑटोमेटिक पानी बंद करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यह जो है यह काम किस तरह से करता है आपको बताता हूँ। जिस तरह से ऐसा पानी का लेवल बढ़ते जाता है तो यह जो बॉल है इसको पानी उठाता है और यह बंद कर देता है पानी को आना। जब इसका लेवल यहाँ तक आ जाता है तो यह पानी बंद कर देता है, तो इसका इस तरह से ऑटोमेटिक पानी बंद करने के लिए यूज किया जाता है टाकी में। पर दोस्तों, इसका एक डिसएडवांटेज बहुत है कि जितना यह बॉल कॉक हम लगाते हैं तो कस्टमर्स का बहुत लोग यह कहते हैं कि यह जो है 10-15 दिन हम बिठाने के बाद या एक महीने के बाद इसमें से यह बॉल कॉक काम करना बंद कर देता है, बिल्कुल ही बंद कर देता है। तो पानी जब तक वाल बंद नहीं करेंगे तब तक यह पानी टाकी में भरते रहता है और ओवरफ्लो होते रहता है। यह बॉल कॉक बिल्कुल खराब हो जाता है 15-20 दिन में, कुछ कचरा आने की वजह से, किसकी वजह से कुछ पता नहीं। अगर यह आपके साथ भी ऐसा होता तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो यह जो है यह बॉल कॉक में ऐसा बहुत ही तकलीफ आता है हम लोग को कि यह एक महीने के बाद या 15-20 दिन के बाद यह काम करना बंद कर देता है, फिर कस्टमर्स को डायरेक्ट वाल से चालू बंद करना पड़ता है। तो आज मैं इसीलिए एक नया बॉल कॉक लेके आया हूँ। यह दोस्तों मैं आप लोग को दिखाने के लिए लाया हूँ। यह जो नया बॉल कॉक है यह बहुत ही अच्छा है इसके मुकाबले, और इसका जो जगह है बहुत कम जगह लेता है। इसे मैंने ऑनलाइन पे देखा और आप लोग को दिखाने के लिए लाया हूँ, और इसका आप जरूर यूज करें। दोस्तों, यह अमेजोन पे मिलता है, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अभी मैं इसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा और इसके जो अच्छे अच्छे खासियत है उसके बारे में बताऊंगा जो इस बॉल कॉक से अच्छे हैं। तो दोस्तों, अभी हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह MSR कंपनी का है, इसका है 1 साल का वारंटी आता है कंपनी की तरफ से। तो इसका आप देख रहे हैं MRP जो है 2500 रुपए दिया हुआ है, पर यह Amazon पे ऑनलाइन अभी 84% ऑफ पे अवेलेबल है, जो कि हमको 399 में यह प्रोवाइड हो जा रहा है। अभी हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। तो दोस्तों, आपको मैं इसके हर एक चीज के बारे में बताऊंगा, जो एडवांटेज है इसका, जो अच्छी चीजें है इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या खासियत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर ये कुछ इसके पेपर दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से इसको लगाया जाता है, इसमें बताया गया है। यहाँ पे देखिए, ये तो टैंक दिया है, ओपन टैंक दिया हुआ है, जो ब्लैक कलर का टाके आता है उसके उसमें इंस्टॉलेशन का इसमें दिखाया गया है। ये आप लॉफ्ट टैंक में भी कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह से किस तरह से इसको इंस्टॉल किया जाता है उसके बारे में दिखाया गया है, और इसके अंदर और कुछ पेपर है, इसमें भी वही सेम दिखाया गया है कि किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें वाटर इनलेट दिया हुआ है, वाटर आउटलेट दिया हुआ है, और इसमें एक फिल्टर दिया होता है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं यह फिल्टर दिया हुआ है इसका। और दोस्तों, अभी आपको मैं इसका एक वारंटी कार्ड भी इसमें दिया हुआ होता है वो भी दिखाता हूँ। ये इसका वारंटी कार्ड है MSR कंपनी का, और नीचे नंबर दिया हुआ है, अगर कुछ भी इसको 1 साल के अंदर कुछ तकलीफ आया तो कंपनी वाले इसका सर्विस करके जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम सीधे हम बॉल कॉक की तरफ आते हैं। अब हम इसकी खासियत के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें डायरेक्शन देखना है। ये देखिए, यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिखाई दे रहा होगा। इसका जो डायरेक्शन है यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है। और ये इसके अंदर है, यह जाली दिया हुआ है, तो इसका जो इनलेट है यहाँ से होगा, यहाँ से पानी अंदर जाएगा और यहाँ से पानी टाकी में बाहर निकलेगा। तो ये जाली लगाना जरूरी है, जिसके कारण कचरा वगैरह अगर आएगा तो यहीं पे कचरा अटक जाएगा और यहाँ से खाली आपका फ्रेश पानी बाहर गिरेगा। दोस्तों, एक चीज और आपको बता दूं कि यह जो है यह 4 इंच का जगह लेता है, बहुत ही कम स्पेस लेता है टाकी के अंदर इसके मुकाबले। यह दोस्तों यह लगभग 12 से 15 इंच जगह लेता है टोटल, और यह आपका 4 इंच में काम हो जाएगा और आपको इंस्टॉलेशन में भी इजी आएगा। और यह इससे वेट में भी हल्का है, इसका वेट बहुत कम है इसके मुकाबले।
और इसके ये किस तरह से यूज होता है वो अभी आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका टाकी भर रहा है, ये लेवल तक आ जाएगा 1 सेंटीमीटर तक, तो अपने आप यह पानी को बंद कर देगा, आपका पानी आना बंद हो जाएगा इस लेवल तक 1 सेंटीमीटर या नीचे से जब ऊपर आएगा तो यह पानी आना बिल्कुल भी बंद कर देगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको इसके अंदर का पार्ट खोल के दिखाता हूँ कि किस तरह से यह वर्क होता है। तो दोस्तों यह मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसके मुकाबले। अभी हम इसको जो है इसका पार्ट खोल के आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर यह किस तरह से यूज होता है, हर एक चीज आपको दिखाऊंगा इसके अंदर का पार्ट। तो अभी हम इसका पार्ट जो है खोल रहे हैं। यह किस तरह से यूज हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर से। तो यह सबसे पहले स्क्रू खोल लेंगे, यह ऊपर का इसका पार्ट है, निकाल लेंगे। तो दोस्तों पानी जो है इसके अंदर से, ये देखिए आपका ये बॉल है, तो यह जो बॉल है दोस्तों यही है जो इसका यह बॉल है, और यह देखिए यह सिस्टम है इसको दिया हुआ है। तो जब यह बॉल है इसमें देखिए मैग्नेटिक सिस्टम दिया हुआ है, इस पे चिपक लेता है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें से चिपक लेता है। तो जब यह पानी इसमें भरता है, यह देखिए होल है, इसमें जब पानी आता है तो ये जो बॉल है इसको पानी दबाता है इसे इस तरह से। तो जब यह पानी यह बॉल को दबाता है तो यह पानी आने का जो सर्कुलेशन है ऑफ कर देता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो यह पानी बंद हो जाता है आना। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छी चीज है, तो इसीलिए मैं इसके बारे में आपको रिव्यू देना चाहता था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों, बहुत ही आप लोग के लिए मैं नया नया प्लम्बिंग का वीडियो लाते रहता हूँ, आप लोग के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो इसकी यह सब खासियत थी, और दोस्तों बहुत ही हल्का चीज है। अभी हम इसको बंद कर देते हैं जैसे था वैसे ही स्क्रू लगा के। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करना, और यह दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज है, यह आप टाकी में लगाना और आपका जो ओवरफ्लो है वह पाइप से नहीं होगा, यह अपने आप ऑटोमेटिक बंद कर देगा, आपको बॉल बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी 1 साल का इसका गारंटी भी दे रहा है। तो अगर आपको यह अच्छा लगे तो यह जरूर आप मंगाना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये इसी के बारे में मुझे आपको वीडियो बताना था। और दोस्तों इसको आपको किस तरह से लगाना है, यह इस तरह से इसका डायरेक्शन देना आपको, यह जो मार्किंग दिया हुआ है आपको ऊपर रखना है, क्योंकि यहां से आपका पानी जब यहां टच होगा तो ऑटोमेटिक बंद कर देता है। और यह जाली लगाना बिल्कुल जरूरी है, यह डायरेक्शन में लगाना है, यहाँ देखिए नट का दिखाया हुआ है, यहां से आपका ये इन जाएगा और यहां से आउटलेट, यहाँ पे आप मार्किंग देख लेना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बस मुझे इसी के बारे में बताना था आपको। इससे काफी ज्यादा यह अच्छा है यह बॉल कॉक, और आप यूज करिए, फिर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मैं यही वीडियो समाप्त करता हूँ, फिर से आपसे नई वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, अपनी फैमिली जो है 10,000 लोगों की पूरी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। 10,000 सब्सक्राइबर यह आप लोग के बिना इम्पॉसिबल था दोस्तों। आप लोग ने अपना प्यार एसके प्लम्बिंग वर्क्स पे बनाए रखा है, जिसके कारण आज अपना जो सब्सक्राइबर है 10,000 पूरा हो चुका है दोस्तों। इसी तरह से आप लोग अपना प्यार एसके प्लम्बिंग वर्क्स पे बनाए रखें, मैं बहुत सारे प्लम्बिंग के नए नए वीडियोस आप लोग तक लाता रहूंगा दोस्तों। आप लोग का कुछ भी राय है तो दोस्तों कमेंट में, वीडियो के कमेंट में आप लोग कमेंट जरूर करिए, मैं आप लोग का रिप्लाई जरूर दूंगा। और आप लोग के सपोर्ट के बिना यह इम्पॉसिबल था 10,000 दोस्तों। फिर से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से आप लोग अपना प्यार अपने चैनल इसके प्रेमी वक्त पे बनाए रखें। धन्यवाद।